हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदूज हेल्दी किचन। आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। चलो शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हम पहले इसकी ग्रेवी बनाएंगे। पहले हम रखेंगे फ्राई पैन, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा डालेंगे हम मक्खन, यह हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, उसको थोड़ा सा भून लेंगे। यह हमारी इसमें ये डालेगा, ये हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज, ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन, ये हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हमें इसमें लाल नहीं करना है, हल्का सा भूनना है, जिसे कहते हैं ना सुनहरा, वो नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और प्याज, अब हम इसको भी थोड़ा भून लेंगे। प्याज हमें लाल नहीं करने हैं, हल्का हल्का सौते करना है। सिम सेक से करेंगे, हमें ज़्यादा तेज सेक नहीं होना चाहिए, जिससे लाल लोरा हो जाए। जितने हमारे प्याज हैं उसके डबल हमारे टमाटर होंगे। इसको हम पहले अभी थोड़ा सा नरम कर लें, ट्रांसपेरेंट कर लें प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, इसको हम थोड़ा भून लेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर, और ये हमारे काजू। अब हमने टमाटर डाले हैं, तो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये हमने डाल दिया नमक। टमाटर हमें अभी इसमें गलाने नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट वैसे हो जाए, नरम हो जाए। ये हो गए हमारे टमाटर, थोड़े से हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और सेक हम कर देंगे तेज इसको। पहले हम एक उबाल आने देंगे, अब इसे ढककर रख के हम इसे पका लेंगे, जिसमें हमारे ये टमाटर भी नरम हो जाएंगे और ये हमारे काजू भी नरम हो जाएंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। यह हम इसको देखेंगे, ये देखो ये अभी थोड़े से हार्ड है काजू, इसलिए हम थोड़ी सी देर और रखेंगे। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे कोफ्ते। अब हम कोफ्ते के लिए हमने ये पनीर कद्दूकस किया है, जितना हमारा पनीर है उतना ही हमने आलू लेना है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है, हरी मिर्च और उसमें आप अदरक डालेंगे तो। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा
स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाने के लिए, चाहे आप राउंड ले लो चाहे आप इसे थोड़ा सा लंबा करके बना लो। ये हमारे, हम ऐसे करके चाहे गोल बनाना चाहे आप गोल बना सकते हैं, ये लंबे बनाए हैं मैंने। इसको हम ऐसे करके सारे ऐसे बना लेंगे। अब हम कोफ्तों को तल लेंगे। ये मैंने ऐसे बना लिए। ये मेरा तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। हमने इसमें कड़छी नहीं मारनी है, दूर से ही हमने बस तेल को ऐसे करके हिलाना है, उस पर टच नहीं करना, नहीं तो वो फूट जाएंगे। हमें टूटने नहीं देना है। आसपास से हम घी ऐसे घुमाते जाएंगे और गैस हमें सिम पे रखनी है। ऐसे करके हम इसे सुनहरे करके तल लेंगे। अब हम इसको खोलेंगे। ये हमारा टमाटर भी गल गए हैं और हमारे काजू भी हो गए हैं। अब हम इसमें इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम इसे पीस लेंगे। ये देखो मेरे सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारे फ्राई तल लेंगे। ये हमारे, इसमें से हम इसमें साबुत मसाले निकाल देंगे। अगर और कुछ नहीं, अगर आपके पास गरम मसाले में ये सब पिसा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तेज पत्ता निकाल दें। और मैं ये सिर्फ मोटी इलायची और वो निकाले हैं मैंने तेज पत्ता, बाकी इन सबको हम पीस लेंगे। फ्राई पैन लेके हमने ये मसाला पीस लिया है। अब हम इसको इसमें छान लेंगे। ताकि इसमें से हमारे वो जो टमाटर के बीज हैं और सब कुछ है सब निकल जाए। और इसमें हम थोड़ा पानी डाल के ये हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखो हमारे थोड़े साबुत मसाले थे, उनके भी छिलके आ गए, टमाटर के बीज भी हो गए। ये देखो अब हम इसे अलग कर देंगे और हम ग्रेवी को उबलने के लिए रख देते हैं। इसको उबलने देंगे। आप मिलाई भी डाल सकते हैं और क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम इस समय खत्म है तो मैं इसमें मिलाई डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिलाई को हम अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।